त्रिवेंद्रम के समुद्र के तट के पास एक सज्जन व्यक्ति भगवद गीता पढ़ रहे थे। उस समय एक नौजवान जो भगवान में ना विश्वास करता था ना भगवान को मानता था वहाँ पर आ पहुँचा। इन सज्जन व्यक्ति को धार्मिक ग्रंथ पढ़ते देख वो नौजवान बोला, माफ करना, लेकिन विज्ञान के इस दौर में अगर यही समय आप वैज्ञानिक खोज में लगाते तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाता। उस व्यक्ति ने यह बात सुन के कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उसने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो बेटा, काम क्या करते हो? नौजवान बोला, मैं विज्ञान में ग्रेजुएट हूँ, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ। यह कह के नौजवान ने फिर से उस आदमी को बोला कि भगवद गीता पढ़ने में वो अपना समय बेकार कर रहे हैं, इससे अच्छा वो विज्ञान के बारे में कुछ पढ़े। ये बात सुन के वो सज्जन व्यक्ति मुस्कुराए और वहाँ से जाने के लिए उठ खड़े हो गए। जैसे ही वो उठे, चार हट्टे कट्टे अंगरक्षक उनकी सेवा में हाजिर हो गए और थोड़ी दूर से उन्हें लेने के लिए एक लाल बत्ती वाली गाड़ी आ गई। यह सब देखकर नौजवान चकरा गया और उसने उनका नाम पूछा, आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मैं चेयरमैन हूँ। यह बात सुनके वो नौजवान इतना शर्मिंदा हुआ कि वो डॉक्टर साराभाई के पैरों में गिरकर रोने लगा। तब डॉक्टर साराभाई ने उसे प्यार से उठाया और कहा, विज्ञान की पुस्तकें हमें ज्ञान दे सकती हैं, लेकिन गीता हमें नैतिकता, मूल्य और जीवन का पाठ पढ़ाती है जो किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं पढ़ाया जा सकता है। जीवन के किसी भी पहलू में सफल होने के लिए हमें अपने अंदर इस अच्छाई को बनाए रखना चाहिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई भारत के मशहूर वैज्ञानिकों में से एक हैं, जिन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों से नवाजा गया है। उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है। उनके नाम से भारत में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की स्थापना की गई थी और इसरो में भी उनका मूल्यवान योगदान है। तो हमेशा याद रखें, श्रद्धा का युग हो या ज्ञान का युग, विज्ञान की क्षमता अपनी चरम सीमा पर तभी पहुंचती है जब वो संस्कृति और अच्छाई की नींव पर टिकी हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सीखने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज्यादा है। ऐसे ही और एक इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं क्रिएटिव गराज प्रेजेंट्स वन स्पायरिंग के अगले एपिसोड में।